नमस्कार दोस्तों, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं पूनम राठौर। दोस्तों, चांदनी चौक का नया अंदाज, जी हाँ, आप कुछ दिनों में चांदनी चौक को एक नए रूप में देख पाएंगे। दिल्ली सरकार ने सोचा है कि आने वाले 15 दिसंबर से चांदनी चौक में हम कुछ परिवर्तन करेंगे, जिससे चांदनी चौक की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई उसको वो व्यवस्थित कर सके तथा अपने अनुसार उसकी व्यवस्था को नए रूप में ढाल सकें। ये काम लाल किले से फतेहपुर मस्जिद तक होगा और इस काम की शुरुआत 15 दिसंबर 2018 से जून 2019 तक होगा, मतलब जून 2019 में ये काम पूरा हो जाएगा। ऐसे में हम आपको बता दें कि 15 दिसंबर से कुछ टाइम पहले ही इस इलाके में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच वाहनों का आने जाने पर प्रतिबंध लगेगा। इसमें बदलाव किए गए हैं, इसमें बदलाव है, फुटपाथ की जो चौड़ाई है वह कैरिज वे से दुगनी की गई है, फ्री वाईफाई आपके लिए किए गए हैं, वाटर एटीएम की सुविधा की जाएगी। यह पूरी योजना कायाकल्प की तैयारी करने का एक हिस्सा है। इसके लिए शाहजहानाबाद रीडे डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन ने अपने विस्तृत परियोजना निर्माण विभाग में भेज दी है। चांदनी चौक को नया रूप में परिवर्तन करने में तकरीबन 60 करोड़ तक पैसे लग सकते हैं। इसके लिए चांदनी चौक में जो भी बदलाव होंगे वह चांदनी चौक की विरासत को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। इसकी लाइटिंग भी हेरिटेज कैरेक्टर की होगी। कैरिज वे की चौड़ाई दो जगह से 5.5 मीटर की होगी। सेंट्रल वेज की चौड़ाई 3.5 मीटर की होगी। ट्रांसफार्मर शिफ्ट किए जाएंगे और पार्किंग की नई व्यवस्था भी होगी। तो दोस्तों, आपने देखा, ये सारे बदलाव होंगे जो कि चांदनी चौक को एक नया रूप देंगे। इस नए रूप को देखने के लिए हमें अभी सरकार की कामों में भागीदारी निभानी होगी तथा अपना सहयोग देना होगा। आज कुछ परेशानी है पर कल सब अच्छा होगा, इसलिए आम जनता को भी सरकार के इन कामों में अपना सहयोग देना चाहिए। सरकार आम लोग सरकार के काम में अपना साथ दे, क्योंकि आज की परेशानी कल के उज्जवल भविष्य को दर्शाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे।